पुराने शहर में लड़कों पर लड़कियों का जुल्म। ताज़ा वाकया, एक नई दुल्हन अपनी एक शिकायत के साथ पुलिस से रुजू हुई और इसने इल्ज़ाम लगाया कि शोहर ने बच्चे होने के लिए अपने सगे चचा से ताल्लुकात कायम करने के लिए ज़बरदस्ती की है और इससे पहले भी इसी तरह का वाकया भी मंजरेआम पर आया था। ये तो हिम्मतवार लोगों की बात थी, ये इक्का दुक्का वाकया सामने आए हैं क्योंकि पुराने शहर में ऐसे अनगिनत वाकयात होंगे जिनकी इज्जत के डर से पर्दापोशी की जा रही है। इस वाक़े के बाद संतोष नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी। मीडिया से बातचीत करते हुए साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी सत्यनारायणा ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट indtoday.com। ये मेरे शौहर है, इनका नाम मुजम्मिल है, इनका नाम मुजम्मिल है और हमारी शादी हुई थी 9th सितंबर 2016। शादी होके सिक्स मंथ हुआ शादी होके 5 महीने तक मेरे फुप्पू सास मेरे साथ घर में थे, जो कि घर में चहल पहल अच्छी रहती थी। जब मेरे फुप्पू सास उनके घर पे चले गए, उसके बाद जब मेरे फुप्पू सास मेरे साथ थे तो सिर्फ मेरे चचा ससुरे के मैसेजेस चालू थे और मेरे को गलत गलत मैसेजेस करते थे, अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, ऐसा था। उसके बाद में मेरे फुप्पू सास घर पे चले गए, उसके बाद मेरे शौहर मेरे को आके बोल रहे हैं, एक दिन गलत गलत हरकत कर रहे थे उन्होंने मेरे साथ, तो मैं क्या कर रही हूँ ये पूछी उनसे, तो इन्हें मेरे को मुबीन चाचा सिखाई ये बोल के बोले उन्होंने, तो मैं नहीं करना बोल के उनको झड़क दी। तो फिर उन्होंने मेरे को बातें करे, बातें करने के बाद में बोले अच्छी बात है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा ना, मैं मुबीन चाचा को भेजता हूँ, मुबीन चाचा जो भी कर रहे हैं उन्होंने खामोश करने दी उनको, आवाज़ ना करो, कुछ भी ना बोलो बोल के बोले। मुबीन चाचा मेरे कहने जब आए तो उन्होंने मेरे को अंदर, मैं रूम में हूँ मेरे, तो दरवाज़ा बंद कर लिए और गलत गलत बातें कर रहे हैं, टच कर रहे हैं मेरे को गलत गलत, प्राइवेट पास पे मेरे टच कर रहे हैं और मेरे को होल्ड कर रहे हैं। तो मैं एकदम उनको छोड़ के झटक के जल्दी बुरखा लेके भाग के मेरे में पेरेंट्स के पास आ गई। मेरे ये मेरे शौहर खुद उनको भेजे मेरे पास कि उनसे मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, उनसे बच्चा हुआ तो भी चलता, मेरे को तुम किसको भी नहीं बोलना ये बोल के उन्होंने खुद मेरे कहने भेजे सोए। मेरे शौहर, मेरे चचा ससुरे का नाम है मोबिनुद्दीन, वो हमारे घर के पास भी नहीं देते, चंचलगुड़ा में, चंचलगुड़ा शाह कॉलोनी में मेरा ससुराल है, मेरे ससुराल के बाजू ही उनका ही घर है। हाँ, मैं पुलिस में कंप्लेंट की थी, पुलिस में कंप्लेंट करके भी 8 दिन हो गया तो पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो संतोष नगर PS पे घर है हम लोग। अभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए, जोरदबस्ती मेरे चचा ससुरे घर है जो कि उनका नाम मुबीनुद्दीन है। हाँ, मेरे शौहर को बोली थी मैं, तो शौहर खुद बोलेगा मैं भेजा उनको तुम्हारे पास। सर, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के अंदर संतोष नगर पुलिस स्टेशन में इसी महीने 11 तारीख को एक केस रजिस्टर हुआ। एज पर कंप्लेंट एक तबसुम बेगम 21 साल का उम्र है, तबसुम बेगम, इसको मुजबिल मुनीर से एक शादी हुआ, इसका 35 ईयर्स है, लेकिन एज पर इन्वेस्टिगेशन ये लड़की का बाप मालूम होने में ये थोड़ा सेक्सुअली फिट नहीं है, अनफिट है, पोटेंशियल नहीं है। ये फायदा उठा के ये बच्चा का चिच्चा मुजबिल मुनीर और ये औरत को चिचा ससु होता है, ये औरत को रेप करने के लिए 2-3 बार ट्राई करा। पहले थोड़ा इशारा कर दिया, ये औरत मना कर दिया तबसुम, बाद में 2-3 बार यहाँ वहाँ आके कुछ रेप करने के लिए एग्नेस्ट हरविल कोशिश करा। दुर्भाग्यपूर्वक अनफॉर्चुनेट थिंग क्या है, ये औरत का हस्बैंड मुजबिल मुनीर खुद सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको बच्चा नहीं होता तो इसीलिए इसका चिचा का साथ जाना है, रहना है, इसीलिए बच्चा फायदा होता है, इसको भी इज्जत रहते हैं, ऐसा करके एंकरेज कर रहा था, लेकिन ये तुरसों मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा बोल दिया, लेकिन ये हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट चल रहा है, ये केस रजिस्टर करके ये दोनों को गिरफ्तार करेंगे,
ये हस्बैंड को पोटेंशियल टेस्ट को भी भेजेंगे वेदर इज सेक्सुअली फिट और अनफिट। बाद में ये जो बच्चा का चिचा और बच्ची का मतलब औरत का कंप्लेनेंट का चिचा ससु ये मुबीनुद्दीन ये टेलर काम करता था, तो इसको भी अरेस्ट करके सख्ती एक्शन से ले लेंगे। फादर पेरेंट्स को भी उनका रिलेटिव्स को बताया, कभी कभी वो लोग भी वो टेम्पररी प्रॉब्लम होगा तुम ठीक हो जाएगा ऐसा बोल दिया, वो भी मानती थी उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसका साथ ही रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बीच में ये आदमी का चीचा बहुत हैरासमेंट कर रहा है रेप करने के लिए, तो इसीलिए कंप्लेंट दे दिया बोल रहे। सो हम दोनों को इमीडिएटली अरेस्ट करके मैक्सिमम एज अर्ली एज पॉसिबल हम रिमांड भेज देंगे।